ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि कहां से घटना, जो घटना में दोषी हो उसको पक्षा भी नहीं जाएगा चाहे कोई लोग। आठ का सूचना है, आठ में एक गया के तरफ ले गया उसका परिवार लोग, तो हमारा इंदास अंदर से मृत अगर रहता तब तक वो पोस्टमार्टम घर में पहुँच जाता, और हमको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं कोई डॉक्टर के यहाँ जब तक इसकी जांच न पूरी हो जाए तो इसी आरोप प्रत्यारोप लगाना अच्छी बात नहीं। देखिए प्रशासन पुलिस और एनसीसी का हर साल लोग वहाँ लोग काम रहते हैं सेवा के भावना से और भगदड़ बचाने के भावना से, पर जो अभी जांच आ जाएगा तो आपको स्पष्ट बता देंगे कि मामला क्या है। लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। सावन का पावन महीना चल रहा है और शिव भक्त जिस तरीके से शिवलिंग को जलाभिषेक कर रहे हैं उस दौरान काफ़ी ज़्यादा जो हादसे हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहानाबाद जिले के मुखदमपुर प्रखंड के बराबर पहाड़ी पर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में चौथे सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है और इस दौरान मची भगदड़ में भारी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 6 महिलाएँ एवं पुरुष है। यह घटना रात्रि के लगभग 2 बजे हुई है। घटना के बाद घटना स्थान पर काफ़ी देर तक हो हंगामा हुआ। जो तस्वीरें सामने आई है हम आपको वो दिखा रहे हैं। इसके साथ ही मुखदमपुर में जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है काफ़ी प्राचीन और काफ़ी मान्यता प्राप्त मंदिर है, इसीलिए यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं ताकि मन्नत पूरी हो सके। लेकिन भगदड़ के दौरान जिस तरीके से शिव भक्तों के साथ हादसा हो गया उसके बाद जहानाबाद के जो सांसद है वो पहुंचे, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। 8वां जैसे जो घटना घटा जी, तो दो लोग परिजन साथ में थे तो वो लेकर चले गए गया के तरफ। अब गया में ले गए तो अभी तक मेडिकल नहीं पहुंचा था, तो फिर मेडिकल में जैसे पहुँच जाएगा हमको सूचना यहाँ भी आ जाएगा, हम यही आ जाएगा। तो लगता है कोई प्राइवेट किसी डॉक्टर के यहाँ ले गए, पर या हमको लगता है कि बेहोश होगा कुछ भी नहीं, कोई मृत हो गया होगा। जब तक उसका मृत घोषणा नहीं होता तो हम कैसे मृत घोषणा नहीं होगा। कितना का आंकड़ा अभी तक आ गया? 8 का सूचना है, 8 में एक गया के तरफ ले गया उसका परिवार लोग, तो हमारा इंदास अंदर से मृत अगर रहता तब तक वो पोस्टमार्टम घर में पहुँच जाता, और हमको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं कोई डॉक्टर के यहाँ। मगर मेडिकल कॉलेज में कितना लोग नहीं चल रहा है? नहीं अभी ऑथेंटिक सूचना नहीं है, घायल तो काफ़ी लोग हैं पर मेडिकल में अभी तक कोई को मरा नहीं। नहीं घायल वहाँ कितने लोग हैं? कुछ को बताते हैं बहुत कुछ को बताते हैं। क्या सूचना मिला है, कैसे क्या घटना की जानकारी मिली? नहीं जब तक इसकी जांच न पूरी हो जाए तो इसी आरोप प्रत्यारोप लगाना अच्छी बात नहीं है। क्या लगता सर कहाँ गलती हुई है इतनी बड़ी घटना? जाँच के बाद बता, ये तो जाँच के बाद पता चलेगा कि कहाँ से घटना, जो घटना में दोषी हो उसको पक्षा भी नहीं जाएगा चाहे कोई लोग। क्या प्रशासनिक विफलता भी मान रहे हैं इसको? नहीं जब तक जांच के सामने बात नहीं आ जाए तो किसी पर आरोप लगाना अच्छी बात नहीं। लोगों का कहना है कि वहाँ पे भगदड़ की स्थिति थी और वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं था, वहाँ NCC के कैडर और स्काउट गाइड कांवरियों पे झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद की ये घटना हुई है। देखिए प्रशासन पुलिस और NCC के हर साल लोग वहाँ लोग काम रहते हैं सेवा के भावना से और भगदड़ बचाने के भावना से, पर जो अभी जांच आ जाएगा तो आपको स्पष्ट बता देंगे कि मामला क्या है, और बहुत देर नहीं लगेगा आपको 5 मिनट में हम बात बता देंगे कि क्या मामला है, क्योंकि विश्वनाथ जी मंदिर पर चढ़ रहे हैं और पूरा गठबंधन के लोग चढ़ रहे हैं मंदिर के ऊपर जाँच करने के लिए। हाँ अभी जाँच टीम आपकी गई हुई है? हाँ गया हुआ है, तो थोड़ा देर में हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि मामला क्या है। तो सुना आपने सीधे तौर पे उन्होंने क्या कहा। इसके साथ उन्होंने कहा है कि जो भी इस हादसे का जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके साथ आपको बता दें कि बिहार के जहानाबाद जिले के जहानाबाद के डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्तों की भगदड़ में मौत के बाद मृतकों के परिजन से मिलने पहुंचे हैं और पूरी घटना का उन्होंने जायज़ा लिया है और सीधे तौर पे कहा है कि कोई भी बचेगा नहीं जो भी इस भगदड़ के पीछे शामिल है। अब देखना होगा जब
ये सारी चीज़ें हो रही है, आगे क्या कुछ होता है, बन रही है हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।